राग का चलन किस तरह समझें? कोई भी राग होती है, इंडियन क्लासिकल में बहुत सारी रागें हैं और हम इतनी सारी रागों को सीखते हैं, यमन, भोपाली, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, बिलासखानी, भैरवी, इतनी सारी रागें हैं, हमने इतने नाम सुने हुए हैं, इतने सीखे हैं, इतने सुने हैं, लेकिन अभी भी हमें राग का चलन जो है वो समझ नहीं आता है। कहीं अगर वो राग बज जाए तो वो पहचान में आ जाए, उसके लिए हम क्या करें? कुछ रागों में डिफरेंसेस होते हैं, वो हमें कैसे मालूम चलेंगे? तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि रागों के चलन को कैसे सीखा जाता है, कैसे पता किया जाता है। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। से ऋण हम नाहि 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 राग देश में एक बहुत ही मधुर भजन, अभी अभी मैंने आपको थोड़ा सा उसकी एक झलक दिखाई, जो कि स्वर्गीय पंडित जसराज जी का गाया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही मधुर कॉम्पोजिशन है और बड़े ही मार्मिक शब्द हैं इसके, जो कि तुलसीदास जी ने लिखे हैं। आप ज़रूर इसे सुनिएगा, यूट्यूब पर ये अवेलेबल है, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आइए, हम बात कर रहे थे राग के चलन को समझने की। देखिए, राग, मैंने हमेशा कहा है, एक इमोशन है। स्वर संगतियों से निकलने वाले भाव जो हैं, वो स्वर समूह जो एक रंजकता पैदा करें, वो राग हैं, है ना। आप शास्त्रों में भी अगर उसकी परिभाषा उठा के देखते हैं तो आपको यही मिलेगा कि रंजक स्वर समूह या भावात्मक स्वर समूह, उन्हें उनसे ही राग बनता है, इमोशन से ही राग बनते हैं। राग आप देखें तो कैलकुलेटिव चीज़ नहीं है कि कोई कहता है कि इस थाट से ये राग बन गया, उस थाट से ये राग बन गया, ऐसा नहीं है। थाटों में तो उनको बाद में कैटेगराइज्ड किया गया है, समझ रहे हैं आप, जो भातखंडे जी ने किया वो बाद में थाटों का, रागों का निर्माण पहले हो चुका है, थाटों का बाद में हुआ है, है ना। थाट हमारे भातखंडे जी ने, विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, उन्होंने विभाजित किया इन रागों को कि ये फलां राग हैं, ये एक चलन के हैं और इनका स्वरूप ऐसा ऐसा जा रहा है, तो ये इस थाट के हो सकते हैं और ये इस थाट के, ताकि कैटेगराइज्ड हो जाए, एक सिस्टमैटिक वे बन जाए, है ना, जिससे हम पता कर सकें और उस हिसाब से हम गायकी भी कर सकें कि उनका चलन फिर ऐसा ही हो। नहीं तो कोई उसी राग को अपने ढंग से गा रहा है, कोई उसी राग को कोई अपने ढंग से गा रहा है, उसमें कोई यूनिवर्सल सेंस नहीं बन रहा था, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ करी है। तो राग तो पहले जन्म ले चुके थे, पहले ही ऑलरेडी, और राग इमोशन से जन्म लेते हैं, है ना, इसीलिए वो पहले जन्म ले चुके थे कि जैसा ही भाव मन में आया वैसे सुर गुनगुनाए, तो वो एक राग बन गया। जब दुख हुआ तो कुछ स्वर गुनगुनाए तो पता चला, अरे ये तो शिवरंजनी है, है ना। अब कुछ एकदम बाहर सी आ गई मन में, एकदम खिलखिला गए और कुछ सुर छिड़ गए तो मालूम चला, अरे ये तो भोपाली है या फिर ये तो राग बाहर है, है ना। जब कभी शिव की आराधना करी और कुछ सुर निकले तो फिर बाद में उसे नाम दे दिया, ये तो राग शंकरा है, ये राग यू नो शिवरंजनी का भी प्रयोग होता है, ये राग हंस ध्वनि है, है ना। ऐसे रागों के निर्माण हुए हैं, है ना, उनका यू नो वो बने पहले, नाम बाद में पड़े उनके, है ना। और तो बने कैसे? इमोशन से, भावों से। तो हमें अगर रागों को, उनके चलन को समझना है तो एक पॉइंट ये भी आता है कि हम उनके भावों को समझें, उनके अंदर के रस को, उनके अंदर के मर्म को समझें, तो एक तरह से हम उनके चलन को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो एक थोड़ी टेक्निकल चीज़ होगी, ये तो थोड़ी इमोशनल चीज़ हो गई समझने के लिए, ये बाद की स्टेज भी हो सकती है, पहले हमें क्या करना होगा, उस राग में जो जो रचनाएँ हैं
उन्हें अच्छे से सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम राग यमन के चलन को पकड़ पाएं, पहचान सकें, हमें राग यमन की रचनाओं को सीखना होगा। उसके सरगम गीत, उसके छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, बंदिशें जितनी हैं, उसकी गतें हैं, उसमें अगर निर्मित कुछ अच्छे और शुद्ध गीत हैं, भजन हैं, अगर कुछ उनको सुनिए, वो राग आपके दिमाग में चलना चाहिए 24 घंटे, है ना, तब जाके वो धीरे धीरे रम जाएगा और एक तरह से बैठ जाएगा कि ये स्वर संगतियाँ जाती हैं तो ये राग यमन है। अब उसके चलन को और अच्छे से सीखने के लिए एक तरीका और बताता हूँ, उसमें अगर आप आलाप करना चाहते हैं अपने ढंग से तो एक तरीका और बताता हूँ। लोग कहते हैं कि उपज में मैं कैसे उसमें कुछ क्रिएट करूँ, क्योंकि चलन नहीं समझ आया तो उपज नहीं कर सकते, है ना। तो चलन समझने के लिए, उपज पैदा हो अगर, चलन समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसका कोई सरगम गीत है, उसको हम कम लय में यानी एकदम लयबद्ध हटा दीजिए, उसे लयबद्धता जो है उसकी वो तोड़ दीजिए और फिर उसे गाइए एक बार, तो कैसा जाता है। जैसे मैं यमन छेड़ता हूँ, अभी मैं यमन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी ही प्रसिद्ध राग है और ज़्यादातर लोगों को मालूम है, इसीलिए यमन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये चीज़ आप किसी भी और राग में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यमन का अगर हम ये ख्याल लें तो ख्याल बड़ा प्रसिद्ध है, ए रिया लिपिया बेना सखिये रिया ली, या फिर ये सदा शिव भज मना, है ना, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। और इसका जो सरगम गीत है, निध प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग म निध प म प ग म प। अब ये सरगम गीत है, अब मैं एक आलाप लूंगा और आप देखिएगा क्या उसमें ये सरगम गीत की झलक आपको नजर आ रही है। अरे तरना अरे ना डर नतना डर नाद रित न वही सरगम गीत मैंने लयबद्धता हटाकर आपके सामने प्रस्तुत किया और उसमें आकार ले लिया, थोड़े नोम तोम के शब्द डाल दिए और थोड़े से ऑर्नामेंट्स लगा दिए। ऑर्नामेंट्स यानी थोड़े आभूषण, थोड़े अलंकार उसमें लगा दिए, यानी कि थोड़ी सी मीण, थोड़ी सी हरकत आ गई, थोड़ी सी मुरकी आ गई, है ना, उसको लगा के जब आप उसको गाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि वो राग का आलाप ही ले रहे हैं आप। तो यही करना होता है और कुछ नहीं। अगर आपको उसके आलापतान भी बनाने हैं तो यही एक तरीका है। उन्हीं स्वर संगतियों को शब्द हटा के, स्वर हटा के सिर्फ आकार में ले दीजिए, है ना। या फिर अगर एरी आली पिया बिन आप गा रहे हैं, एरी आली पिया बिन सखी एरी, अब इसमें आलाप निध प म प ग म प ए री आली निध प ग म प रे सा नि रे ग म प ए री। कुछ नहीं किया मैंने, उन्हीं की शब्दों के पीछे के जो स्वर बज रहे हैं उन्हें बोल दिया, या फिर अगर यही मुझे आकार में करना हो तो आलाप में कह दिया। तो ये राग के चलन को थोड़ा बहुत समझने की एक तरीका है, उसको समझने का कि उसमें स्लो मोशन में उसके स्वरों को दोहराते जाइए, फिर देखिए एक न एक दिन अपने आप वो जहन में, आपके दिमाग में आपके बैठ जाएगी, है ना। स्वरूप धीरे धीरे बैठता है, ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से वो राग सीखिए और तुरंत वो आपको समझ आ गया। धीरे धीरे ये स्टेज भी आ जाएगी, सीख जाने के बाद एक बहुत अरसा हो गया सीखते सीखते, तो एक ये स्टेज भी आ जाती है कि फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता राग के चलन को समझने में। कुछ स्वर संगतियाँ देखी, हाँ ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये आ गया, क्योंकि फिर आप डिफरेंट करने लगते हैं कि अच्छा कामोद में ये संगति ऐसी लग रही है तो केदार से ऐसे डिफरेंट है, हमीर से ये थोड़ा सा चलन ऐसा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बस मैं तो यही कहूँगा बार बार कि उन्हें सुनिए, उनकी बंदिशों को, उनकी सरगम गीतों को, लक्षण गीतों को उन्हें अच्छे से सुनिए, घोटिए अंदर और धीरे धीरे बस उसे मंथन, उसे याद रखने की भी कोशिश करनी होगी आपको, है ना। उसकी स्वर संगतियाँ जो हैं वो याद रखनी होगी कि जैसे यमन का चलन है तो नीरेगा से जा रहा है, गंधार पे ज़्यादा टिकाव आ रहा है, तीव्र मध्यम का कैसे प्रयोग आ रहा है, कौन सा सुर कहाँ ओमिट हो रहा है, कहाँ छोड़ा जा रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप दिमाग में रखें और उसमें कुछ ना कुछ बनाते रहें, गाते रहें, तो देखिए अपने आपको वो राग
राग याद हो जाएगा, उसका चलन जो है याद हो जाएगा, फिर आप उसको पहचान पाएंगे। छोटी सी बात बोल के एंड करूँगा, कोई भी चीज़ पहचानने के लिए वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर इस स्टोरेज में, मैं इसको स्टोरेज कहता हूँ, अगर आपके स्टोरेज में कोई भी चीज़ है, कोई फाइल है, तो अगर आप सर्च करते हैं, कोई नई फाइल आती है और आप इसमें डालते हैं, तो अगर ऑलरेडी वैसी की वैसी कोई फाइल है तो मैच फाउंड करेगा, है ना। तो इसको अगर हम ऐसे समझें, ये हमारा दिमाग है, इसमें ऑलरेडी हमने कुछ रागें सीखी हुई हैं, फिर हमने उस राग से रिलेटेड कुछ गीत, गज़ल, भजन या कुछ भी सामने आया हमारे रचना, वो अगर आती है और वो हमारे दिमाग में जैसी गई, तो ऑलरेडी अगर कुछ होगा ना तो वो मैच फाउंड कर जाएगा। तो जाहिर बात है पहचानने के लिए उसे आपको सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उसे सीखिए, उसकी बंदिशों को, उसकी रचनाओं को सीखिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए और शुद्ध चीज़ें सीखिए, अपने आप आपको वो राग जो है पहचान में आने लग जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैं आपकी मदद कर पाया हूँ, थोड़ा बहुत इस टॉपिक पर मैं समझा पाया हूँ। बाकी और कुछ मदद चाहिए हो तो ज़रूर हमें संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पर, और कॉमेंट्स में हमें बताएं मैं और क्या नया ला सकता हूँ आप सभी के लिए। देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभावर्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। सब्सक्राइब द चैनल।